व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम रॉकी और आप लोग कैसे आ सकता है, आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। अभी मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा कुछ म्यूजिक सुनाई दे रहा है, यहाँ पे पता ना क्या पूजा पाठ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो गाइस अभी आज का फोटो इस टॉपिक पे है और काफ़ी लॉन्ग वीडियो लाया हूँ, ठीक है, बहुत ही लॉन्ग वीडियो है, तो वीडियो को पूरा वॉच करना, ठीक है। और चैनल पर यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि मेरा 1K टारगेट जल्दी पूरा है। तो गाइस चलते अपने वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि यहाँ पर माइक हुक है तो मतलब आवाज़ आ रही है, तो उसके चलते मैं वीडियो ज़्यादा मतलब वॉइस नहीं डालूंगा इसमें, ठीक है। तो चलते अपने वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। Give me just a 1 minute, yeah, don't you make it drip, and then you will see that I am true sayer. तो गाइस ये वाली फोटो है, ठीक है। तो मैंने स्केचबुक में इसको भी एडिट किया था और ये भी बैकग्राउंड स्केचबुक में शेयर करेंगे, ठीक है। और इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें मतलब एचडी क्वालिटी बनता है, मतलब पिक्चर में भी चेंजिंग आया है, ठीक है। तो इसको मैं इसमें ओपन कर दिया हूँ और सिंपल से अपने बैकग्राउंड को पहले मतलब रखने छोड़ देंगे, ठीक है, और न्यू लेयर लेंगे, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें जो भी कुछ यूज़ करना है न्यू लेयर लेना पड़ेगा। तो मैं ऐड फोटो जाके पहले फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। और गाइस इसमें जो भी PNG यूज़ करूँगा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके लोड कर लेना, ठीक है। तो इसको पहले अच्छी तरह से मैं सेट कर लेता हूँ, अभी अपने फ़ोटो मुताबिक मतलब रख लेना, ठीक है। और बहुत ही इजी लगता है, मतलब स्केचबुक में इसमें सिर्फ आपको आईडी ऐड करना है और फोटो कंप्लीट हो जाएगा, वो भी धाकर वाला, ठीक है। तो इसको मैं डन कर लेता हूँ और फिर से अपने लेयर लेंगे, ठीक है। इसमें मतलब यूज करना पड़ता है तो न्यू लेयर लेना पड़ता है, जैसे मैं भी ले गया हूँ, ठीक है। और फिर से ऐड फोटो पर जाएंगे और एक और PNG मतलब अपने मॉडल को ऐड कर लेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें मैं अपने मॉडल को पहले ही कट आउट करके और क्या कहते हैं स्मूथ करके और मतलब जितने भी कुछ था इसमें पूरा करके कंप्लीट करके रखा था। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको अच्छी तरह से सेट करने वाले इसको भी सेट कर देंगे, ठीक है। तो इतना हो चुका है, तो मैंने सोचा इसमें शैडो का मतलब जो शैडो होता है उसको भी ऐड कर देना है। तो लेयर लेंगे, ठीक है, फिर से ऐड फोटो पर जाएंगे अपने और शैडो को PNG ले लेंगे, ठीक है। तो शैडो इसमें जूम नहीं होगा तो पहले इसको सेट कर देंगे, ठीक है। और फिर से जाएंगे लेयर पे, इस पर मल्टी कर देंगे पहले। तो शैडो मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस पर कट कर देंगे और कट करने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब जूम हो जाएगा पूरा, जितना करना आप कर सकते हो। तो मैं कुछ इतना पकड़ रखना है मुझे, ठीक है। और इसके बाद मैं थोड़ा इसमें एडजस्ट करूँगा बैकग्राउंड में और फेस पे। तो यहाँ मैं थोड़ा वीडियो फास्ट करूँगा क्योंकि ऐसे तो मेरा फोटो कंप्लीट हो चुका है, हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो इसमें मैं पहले लेयर पे जाएंगे, पहले बैकग्राउंड पे जाएंगे, ठीक है। पैटर्न पे रहेंगे, एचएल्स पे जाएंगे, ठीक है। एचएल्स जो होता है इसमें कलर एडजस्ट करना होता है, वही है। तो यहाँ पे मैं वीडियो फास्ट कर देते क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत लोग जानते भी नहीं और कितना लोग करना भी नहीं चाहते हैं, तो इसकी वजह से मैं इसको फास्ट कर दिया था। और बोलूँ तो ये मतलब मेरा फोटो कंप्लीट ऐसे हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा, मतलब अब इसमें कुछ भी लगाने के लिए नहीं बचा हुआ है, ठीक है। चाहो तो एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हो, वैसे मैं कंप्लीट कर दिया हूँ इसमें। तो सिंपल से अपने फ़ोटो को सेव कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसे फाइनली कंप्लीट इसमें हो चुका है। अगर आप स्केचबुक यूज़ करते हो आप और इसमें कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा कंप्लीट हो चुका है इसमें। और गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना, ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो और शेयर नहीं करते हो, लाइक कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। तो यार लाइक कमेंट करो ताकि मुझे भी पता चले कि कौन मेरा वीडियो देखता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देख सकते हो गाइस काफ़ी HD क्वालिटी धाका फोटो बनाया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।